नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने उन अभ्यर्थियों को राहत दी है। मैं कहूँगा बड़ी राहत दे दी है, ऐसे में और भी जो अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ से राहत मिलेगी जो 37,339 के अंदर से हैं। वही दूसरी तरफ बात करें 37,339 अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं। दूसरी तरफ LT शिक्षकों का लंबा इंतजार यहाँ समाप्त हो गया है। वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सरकार की तरफ से 31,661 के बारे में कल कोर्ट के अंदर जो कहा गया है उससे बहुत सारे 31,000 वाले अभ्यर्थी आज एक्टिव है ट्विटर पर, लगातार अपने मुद्दे को टेंड करवाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मामला 17-18वें नंबर तक पहुंचा भी है और लगातार बहुत सारे अभ्यर्थी ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, जहां पर सरकार से ऑर्डर जल्द लाने की जो कोशिश है वो की जा रही है और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा हर एक अभ्यर्थी को जो 69,667 या 867 के अंदर चयनित है, जिसको लगता है कि नियुक्ति मिल गई है या फिर नियुक्ति लेनी है। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थी एक साथ होंगे तो बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नई चयन सूची में से कोई चयनित होगा, कोई महाचयनित होगा, कोई घनघोर चयनित होगा और यही चलता रहेगा। तो इस प्रकार की चीजें सरकार की तरफ से बार बार न्यायालय के अंदर की जा रही हैं। आप लोगों को एक साथ आने की आवश्यकता है, जो पहले भी आपको कहा गया था। तो ऐसे में आप सभी को बताएं, प्रदेश के अंदर कई ऐसी भर्ती हैं, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती हो या फिर TGT भर्ती की हम बात करें, जहाँ पे काफ़ी लंबे समय से शिक्षकों का जो कार्य वो जारी है। मतलब कार्य का है कि कहीं ना कहीं जो लोक सेवा आयोग या PNP या बेसिक शिक्षा परिषद या फिर चयन बोर्ड, ये कार्य तो करते रहते हैं लेकिन शिक्षकों को नियुक्तियाँ नहीं दे पाते हैं। ऐसे में आप सभी को बताया कि जैसे तैसे LT ग्रेड शिक्षक भर्ती पिछले 2 साल से लंबित थी, अब जाकर सभी विषयों के जो परिणाम है वो आ चुके हैं। तो फिलहाल लंबा इंतजार तो समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं जल्द उन सभी को यहाँ से नियुक्ति पत्र मिलेंगे और जो भी हिंदी सामाजिक के अंदर चयनित हुए हैं वो 69,000 के अंदर तो भूल कर भी ना आए, क्योंकि आप सभी को बताएं यहाँ पे कभी नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं तो कभी नियुक्ति पत्र लेने की बातें भी की जाती हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इसके अंदर अगर अलग अलग वैकेंसी में चयनित हो गए तो 69,000 के अंदर तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो LT ग्रेड में जो चयनित हो गया उसको नौकरी मिलेगी, उसमें इतना कोई रिस्क नहीं है, लेकिन 69,000 शुरू से लेकर एंड तक विवाद का एक घर बनी हुई है। तो जो अभ्यर्थी चयनित हो गए उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, जो नहीं हो पाए उनके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगामी समय के अंदर और भी आपको परीक्षाएँ देनी पड़ेंगी और वहाँ से आपको कहीं ना कहीं एक नौकरी तो मिल ही जाएगी। तो ऐसे में LT ग्रेड वालों का इंतजार समाप्त हो गया है, अब देखते हैं आगामी समय के अंदर कब तक इनको नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। कामना करते हैं कि जल्द मिल जाए, बाकी TGT शिक्षकों को भी मिल जाएंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ से रोजगार मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, 31,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो जाने के बाद से लगातार 37,339 अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वह अपने जनपद स्तर पर लगातार जो ज्ञापन का कार्यक्रम है वो जारी रखें। कल भी मैंने आप सभी को दिखाया, अलग अलग जिलों से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पर अभ्यर्थी लगातार ज्ञापन का जो कार्य वो कर रहे हैं, ज्ञापन सौंपने का कार्य किया जा रहा है और कहीं ना कहीं 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर को जल्द लाने की जो मांग है वो की जा रही है। अलग अलग जनपद से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं। 37,339 शिक्षकों की जल्द नियुक्ति करवाई जाए, जैसे कि 31,661 की करवा दी गई है। उसी के क्रम में आज की तारीख के अंदर भी अभ्यर्थी की तरफ से जो ज्ञापन है वो सौंपे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि जो इन इमेजेस के अंदर नहीं है उन्होंने भी अभ्यर्थियों ने काफ़ी जो हार्डवर्क करके मेहनत की गई होगी, उम्मीद है कि जल्द वहां से उनको भी नियुक्ति पत्र मिलेंगे और जो अभी तक अपने घरों से नहीं निकले हैं वो निकल सकते हैं, क्योंकि आप सभी के पास में इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। क्योंकि जल्द ऑर्डर आएगा तो सभी को यहाँ से नियुक्ति मिलेगी, चाहे वो 31,000 वाले हैं या फिर आपको पता है 37,339 वाले हैं। ऐसे में ट्विटर के माध्यम से भी जो आवाज है बुलंद की जा रही है, उम्मीद करते हैं कि सरकार के कानों तक अवश्य पहुंचेगी। ऐसे में आप सभी को बताएं, बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी अपने घरों से नहीं निकले हैं, मैंने उनको लगातार कहा भी था और एक दिन मैंने आपको समझाया भी था संशोधन वाले अभ्यर्थियों के बारे में। जब अभ्यर्थी की तरफ से भूख हड़ताल की गई थी, अगले दिन उनको आश्वासन मिल गया कि भाई आपको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे, सचिव की तरफ से फ़ोन करके बुला लिया गया लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, अभ्यर्थी धरने पे बैठ गए, फिर वहाँ से कोई पॉजिटिव नहीं हुआ, पुलिस ने उनको वहाँ से हटा दिया। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को लगता है कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कुछ ऐसा नहीं होगा या बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ देखने के लिए मिल रही है। अब इन अभ्यर्थी को भी यहाँ नियुक्ति पत्र देने का जो कार्यक्रम है शुरू कर दिया गया है, सरकार की तरफ से राहत मिल गई है। आप इस नोटिफिकेशन के
माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक सूची प्राप्त हुई जिसके माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसा कि आप सभी को बताएं कि 15/10/2020 के क्रम में शैक्षिक जो आप सभी का अभिलेख थे उसके अंदर गलत चीज़ें भरी गई थी। उसके बाद से आप सभी नीचे देख पाए कि भिन्नता के कारण नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए जाने वाले अभ्यर्थी की जो सूची वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे उन छात्रों के लिए खुशखबरी है जो छात्र काफ़ी लंबे समय से अपने नियुक्ति पत्र को लेकर परेशान थे। लगातार अभ्यर्थी मुझसे कहते भी रहते हैं कि सर हमारे अंक पत्र के अंदर जो भिन्नताएं पाई गई हैं क्या हमें यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। मैंने ये भी कहा है कि आपसे प्रत्यावेदन लेकर आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, पहले आपको वेटिंग में लगाया जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख पाए 8वें नंबर पर जो आप सभी के सामने आ रहे हैं अंक पत्र के अंदर क्रमांक की भिन्नता थी लेकिन नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए गए हैं, ठीक है। उसी क्रम में नीचे आप सभी को सेम चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी, हाई स्कूल के अंक पत्र क्रमांक के अंदर भिन्नता थी उनको भी यहाँ पर दे दिए गए हैं, मतलब स्नातक के अंक पत्र के अंदर भिन्नता पाई गई है तो वो भी दे दी गई है। ये अंक पत्र का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि रोल नंबर की बात की जा रही है, ठीक है ना, कि जहाँ पर आपने क्रमांक संख्या डाली थी वो गलत डल गई थी या फिर अगर आप सभी को पता है कि आगे पीछे हो गई थी, तो ऐसे में आपको यहाँ से राहत दे दी गई है। BTC के अंक पत्र के अंदर भिन्नता पाई गई है वो भी आपको दे दी गई है, हाई स्कूल एवं स्नातक के अंदर पाई गई है वो भी आपको दे दी गई है। मतलब इससे स्पष्ट है कि छोटी मोटी जो गलतियां आप सभी को देखने के लिए मिल रही थी जिसके माध्यम से आप सभी को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहे थे, अब ऐसे में आप सभी को यहां से नियुक्ति पत्र निर्गत किए जा चुके हैं। तो जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए वो जाकर के ला सकते हैं। बाकी आप सभी को बताएं कि जो अभ्यर्थी अभी 37 या 339 के अंदर है अपने कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती को लेकर परेशान है उनको भी यहां से नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिलती है वो दोस्तों आप सभी के सामने आ जाती है कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या प्राप्तांक पूर्णांक को लेकर। काफी लंबे समय से आप सभी को बताएं अभ्यर्थियों की तरफ से तमाम याचिकाएं फाइल की गई हैं, वहां से भी अभ्यर्थी को राहत मिल गई है लेकिन अभी तक प्राप्तांक पूर्णांक वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आगामी समय के अंदर इनका भी यहां से कोई ना कोई संशोधन को लेकर जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो मामूली त्रुटियाँ थी जिसके अंदर आप सभी बाहर हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं आप सभी को राहत मिली है। तो 37 या 339 के अंदर कोई अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी राहत है, बाकी जिनको नियुक्ति पत्र मिल गए उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी चीज़ें होंगी आप सभी के सामने आ जाएंगी लेकिन ऐसे में ध्यान रखिए कि अभी सरकार की तरफ से कम मेरिट ज़्यादा मेरिट वाला जो खेल है वो चल रहा है, तो आप सभी को एकजुट रहने की आवश्यकता है। फिलहाल जो नियुक्ति पत्र मिला है वो तभी सिक्योर होगा जब वो नेताजा कटम मुद्दे का ऑर्डर आ जाएगा, उसको आप सभी बिल्कुल भी ना भूलें। तो ऐसे में यहाँ पर छोटी मोटी गलती वाले अभ्यर्थियों की राहत आ गई है, आगामी समय के अंदर और भी चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। प्रत्यावेदन के माध्यम से आपको यहाँ से नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए जाएंगे। बाकी जो लोग रह गए वो आसपास जाकर दोस्तों कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। ये थी दोस्तों अभी अभी की लेटेस्ट अपडेट फ्लैश वीडियो के माध्यम से, इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।